नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव वीकेंड फोटोग्राफी में आपका स्वागत करता हूं। तो आज के एपिसोड में हम देखते हैं कि यार मैनुअल मोड की सेटिंग कैसे करी जाती है, क्या थॉट प्रोसेस रहता है मैनुअल मोड की सेटिंग करते टाइम, एक्चुअली किस तरह से हम सेट करते हैं वो मैं बताऊंगा आपको, क्या हमारा थॉट प्रोसेस रहता है वो मैं आपको समझा दूंगा, आपको कैसे करना है वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं यार, आज हम आए हिमाचल में, मैं अपने गाँव में हूँ और मेरे साथ जो सपोर्ट कर रहा है वो है अवनीत। अवनीत कैमरामैन, एक छोटा सा बच्चा है 10 साल का, वो मेरी हेल्प कर रहा है मोबाइल से वीडियो बनाने की, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। तो मैनुअल मोड में सेटिंग करने के लिए देखो, अलग अलग सिनेरियो में अलग अलग तरह से सेटिंग हो सकती है, बट मैं सबसे पहले अपनी बेस्ड ऑन मेरे को क्या चाहिए। लेट्स सपोज अगर मेरे को पोर्ट्रेट लेनी है तो मैं अपर्चर पहले सेट करूँगा, और अगर मेरे को हाई स्पीड किसी व्हीकल की फ़ोटोग्राफ अगर मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है उस टाइम, तो मैं शटर स्पीड पहले सेट करूँगा। तो लेट्स टॉक अबाउट पोर्ट्रेट। तो किसी बंदे की पोर्ट्रेट लेनी है तो सबसे पहले मैं एफ़ नंबर जो है वो जितना वाइड हो सकता है उतना वाइड कर लूँगा, यानी कि एफ़ नंबर जितना छोटा होगा उतना ज़्यादा अपर्चर ज़्यादा खुलेगा, ठीक है। तो अभी मेरे पास है निकॉन D810 विथ 24-120 लेंस, ठीक है। तो इस 24-120 लेंस का जो मैक्सिमम अपर्चर है वो है F4। तो इसको मैं सबसे पहले इसका अपर्चर F4 कर लूँगा, F4 कर लिया मैंने। अब इसके बाद सेकंड चीज़ आती है शटर स्पीड। तो शटर स्पीड मैं कैसे सेट करूँगा, शटर स्पीड जो हो गया, क्योंकि मैं 120 पे खींचने वाला हूँ, मेरे को शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड चाहिए, एकदम पीछे बैकग्राउंड ब्लर चाहिए पोर्ट्रेट में, तो मैं इसको 120 पे खींचूँगा, जितना मैक्सिमम जूम हो सके उतना, जैसा कि हमने पहले भी अलग अलग एपिसोड्स में आपको समझाया। तो 120 पे करने के लिए, तो इसके बेसिक जो रूल के हिसाब से क्या हो गया, शटर स्पीड कितनी होनी चाहिए उसकी डबल, फोकल लेंथ की डबल, 120 की डबल होगी 240, ठीक है। प्लस पर एक यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि इसमें वाइब्रेशन रिडक्शन का भी, उधर ही खड़े रहो अपनी, हाँ उधर ही बैठ जाइए, ठीक है, इधर आओगे तो फिर वीडियो में आ जाओगे, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन इसमें ये देख लीजिए, VR वाइब्रेशन रिडक्शन वाला। वाइब्रेशन रिडक्शन से क्या होता है, 2 या 3 स्टॉप बेस्ड ऑन जो भी आपका लेंस है उसमें आपको वाइब्रेशन रिडक्शन मिल जाता है, जिसकी वजह से आप 1 या 2 स्टॉप, कम से कम 2 या 3 स्टॉप और नीचे शटर स्पीड ला सकते हो। तो 240 की जगह 1 स्टॉप अगर मैं कम करूँ तो 120 होता है, 120 का ऑप्शन DSLR में कहीं में नहीं होता है। तो 125 है इसमें, 125 मैं इसमें शटर स्पीड कर लूँगा, अगर पोर्ट्रेट स्टिल पोर्ट्रेट कर रहा हूँ। अगर कोई भागने वाले बंदे का जो लेट सपोज भागते भागते कैंडिड लेना है, तो मैं हो सकता है 250 शटर स्पीड या 500 भी ले लूँगा, ठीक है। तो अभी मैं 125 कर लेता हूँ इसको। सो लास्ट एंड लास्ट में, जो सबसे लास्ट में जो मैं सेलेक्ट करूँगा वो है मेरी ISO। तो इस टाइम जो है बेस्ड ऑन द मीटर, अब क्या है, अब हमें देखना है मीटर, जो आपका मीटर है वो आपको बताएगा, अप्रॉक्सीमेट बता देगा कि क्योंकि अप्रॉक्सीमेट आपको बता देगा कि ये है आपका एक्सपोजर, ठीक ठीक है, बट आपको खुद देखना है कि आपका अगर बंदा पूरा एकदम एक्सपोजर अगर कम या ज़्यादा है, तो आप उस मीटर को थोड़ा सा ऊपर या नीचे अपना ISO इंक्रीज़ करके, तो फिर उसको मीटर को एज ए गाइडलाइन लेना है, उसको एज ए पत्थर की लकीर नहीं लेना है, ठीक है। तो 125 मैंने कर दिया और इसमें लोएस्ट जाता है 32। तो अब नहीं, एक बार आप इधर खड़े हो जाओगे, इधर खड़े हो जाना, मैं आपका एक फ़ोटो लेके लेने की कोशिश करता हूँ। तो ये मैंने अवनीत की फ़ोटो ली है, हालांकि ये फ़ोटो इसमें बहुत डार्क आ रहा है, बट ये देखिए ये फ़ोटो है, दिख रहा है क्या इसमें, ठीक है, ये फ़ोटो है जिसमें एकदम एक्सपोजर मेरे हिसाब से ठीक ठीक है, ठीक ठीक है। तो इसी तरह से पोर्ट्रेट लेते टाइम देखो, बैकग्राउंड पूरा ब्लर हो गया इस पिक्चर में, मैं आपको दिखा तो नहीं पाऊंगा क्योंकि ये वन शॉट में, मैं सोच रहा हूँ कि मोबाइल में, मैं जनरल आपको गाइडलाइन दे रहा हूँ कि किस तरह से सोचने का तरीका रहता है। तो लेट सपोज़ कि मेरे को अब क्या है कि मेरे को ये फील्ड्स की फ़ोटो लेनी है, ठीक है, ये गेहूँ का खेत है, इसका फ़ोटो लेना है, और मैं चाहता हूँ कि सब चीज़ फोकस मेरे इधर से लेके उधर तक। तो सेकेंड सिनेरियो में मैं क्या करूँगा, अब मैं अपना एफ़ नंबर F8, 9, 10, इससे ज़्यादा नहीं जाऊँगा मैं, क्योंकि इससे ज़्यादा जाने पे पिक्चर और शार्पनेस थोड़ी सी कम हो जाती है पिक्चर की। तो ये मैंने कर लिया अपना F10 पे कर लिया, क्योंकि आज धूप बहुत ज़्यादा है, ठीक है। शटर स्पीड मेरी क्योंकि अगर मैं वाइड ले रहा हूँ 24 पे, तो मेरी 50 या फिर 1/24 भी हो सकती है, कोई दिक्कत वाली नहीं है, दिक्कत वाली बात नहीं है जब तक मेरे पास VR का ऑप्शन है, ठीक है। तो और लास्ट ऑप्शन मेरे पास हो गया ISO। तो यहाँ पे ISO मेरा दिखा रहा है 100 के आसपास ठीक आएगा, और शटर स्पीड मेरी अभी मैंने 125 ही रखी है, 1/3 पे लेके मैं इसको फ़ोटो खींच लूँगा। तो आप ये देख सकते हैं कि किस तरह की फ़ोटोग्राफ आई है।
ठीक है। तो ये फोटोग्राफ है यार, फील्ड्स की फोटोग्राफ, तो इसमें आगे से लेके पीछे तक सब शार्प है। तो यही तरीका होता है यार, पोर्ट्रेट लेना है तो आपको उस पर ध्यान देना है अपना। ये हो गया अपर्चर बेस्ड, सबसे पहले अपर्चर डिसाइड किया। अब अगर यहाँ पे कोई ऐसे भागती हुई गाड़ी की अगर फोटोग्राफ लेनी है तो मैं सबसे पहले शटर स्पीड सेट करूँगा, देन अपर्चर को जितना वाइड हो सकता है वो रखूँगा, और उसके बाद फिर मैं अपना ISO सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, तो यही थॉट प्रोसेस होता है यार, यही है सब। ठीक है, तो आज के एपिसोड में बस इतना ही यार, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय। अवनीत बंद कर दीजिए।